हेलो गाइस, मैं तो रक्षित, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज का जो ये वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं अपने इस कार में आज लगाने वाला हूँ क्रूज कंट्रोल। तो मेरे कार में क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, क्योंकि ये मेरा बेस मॉडल है, ई मॉडल है, और इसके लिए मैंने क्रूज कंट्रोल मंगाया हुआ है ऑनलाइन बुडमो से, और वायरिंग भी मंगाई हुई है। जो ये वायरिंग लगती है, इसके पार्ट नंबर आप देख लो वायरिंग की, ठीक है। और मैं आपको इसमें आइडिया दे देने वाला हूँ कि भाई क्रूज कंट्रोल आप कैसे लगाने वाले हो, उसका वायरिंग कैसे करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि सबसे मेन दिक्कत है ना, यूट्यूब पे इसका वायरिंग का वीडियो नहीं मिल रहा है कि इसका वायरिंग कहाँ और कैसे करें। तो मैंने भी यूट्यूब से सीखा हुआ है इसका वायरिंग, तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ यूट्यूब से देख के बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, किसी में डाउट क्लियर नहीं किया गया है, तो मैं आपको डाउट क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो मैं आपको वायरिंग समझा दूँ जो मैंने लिखा हुआ है, ऐसे मैंने लिख के भी रखा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ के भी काम कर सकते हो, या वायरिंग जो मैंने लाया है इसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, जो पहला है ब्लैक पे व्हाइट लाइन, ठीक है। पहले आपको इसमें वायरिंग में थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है ई मॉडल में, और आपके पास अगर ईएक्स मॉडल है तो भाई ईएक्स मॉडल में आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, सीधा कपलर टू कपलर फिटमेंट है। लेकिन ई मॉडल जो है उसमें थोड़ा सा आपको वायरिंग चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि मेरा ई मॉडल है। तो वायरिंग पे है कि ब्लैक पे व्हाइट लाइन, जो ब्लैक पे व्हाइट लाइन है ये आप देख सकते हैं ये वाली, इसको करना है आपको रिमूव। ब्लैक पे व्हाइट लाइन जो है ये, इसको करना है आपको रिमूव। और उसके जगह पे जो रेड वायर है ना, ये आप देख सकते हैं, इस रेड वायर को लगाना है उसके जगह पे। अब आपको आता है और एक वायर निकालना है, वो है ब्लू पे व्हाइट लाइन, वो आप देख सकते हैं ये रहा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला वायर, ये वाली वायर ब्लू पे व्हाइट लाइन। तो आपको ब्लू पे व्हाइट लाइन वायर निकाल देनी है, और आपको निकाल देनी है ब्लैक पे व्हाइट लाइन। और ये दोनों को निकालने के बाद आपको मर्ज कर देना है इस ग्रे वायर के साथ, इस ग्रे वायर के साथ। अब आता है हमारा एक और वायरिंग क्लॉक स्प्रिंग के पास। तो क्लॉक स्प्रिंग पे आपको क्या करना है ना, ग्रे वायर को रिमूव कर देना है, और उसको रिमूव करके साइड में रख देना है, और आपको एक एक्स्ट्रा वायर ऐड करके आपको लेके जाना है प्लेयर तक, वो की टू में या की वन में, सारा प्लेयर अलग अलग होता है, किसी में जो की वाला जो होता है वायर उस पर आपको इस पर कनेक्ट कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका वायरिंग समझ में आ गया है, और एक काम करता हूँ, चलता हूँ शॉप और वहाँ पर जाकर मिस्त्री से फिटिंग करवाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ किस तरह से फिटिंग होता है, उसमें भी आपको और अच्छे से ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि ये वर्क करेगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ही ज़्यादा सर्च किया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ऐसे पूरा फुल सियोर हूँ कि ये वायरिंग काम करने वाला है, और काम कर जाता है उसके द्वारा आपको कन्फर्म भी कर दूंगा कि हाँ भाई काम कर गया। तो अभी के समय के हो रहे हैं 4:01, और चलते हैं हम लोग शॉप, और मैंने मिस्त्री को कॉल कर दिया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, और इस प्रोसेस में ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, लेकिन यही है कि प्रोसेस को अच्छे से करना है ताकि काम अच्छे से हो। तो भाई अभी हम शॉप पहुंच चुके हैं, और ये मेरे घर से नज़दीक ही है, और जैसे कि भाई जानते हैं जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का ही शॉप है। और स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करें तो ये रही हमारी ओरिजिनल स्टीयरिंग कंट्रोल। अब इसका पहचान यही है, हुंडई और किया का लोगो, ये बुडमो की तरफ से आया हुआ कुछ स्टिकर ऐसे उखाड़ा उखड़ी है, मतलब समझ में नहीं आया आखिर ये ब्रांड न्यू है तो फिर फ्रेश रहना चाहिए, ऐसा क्यों है ये वही जानते हैं। कुछ साइन भी किया हुआ है इस पर, और चीज़ आप देख सकते हैं ओरिजिनल है, साइनिंग भी आप देख सकते हैं इसकी एकदम ओरिजिनल है, और ये इसकी पार्ट नंबर आप देख लो, चाहो तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं पार्ट नंबर से ही। तो कुछ इस तरह से इसका सामान है, तो चलिए चलते हैं अंदर और इसका वायरिंग का पहले काम करवाते हैं भाई से। तो भाई अभी हम आ गए हैं, और इसका वायरिंग का पहले सेटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई क्रूज कंट्रोल लगा दोगे ना? तो भाई मटेरियल तो ले आए, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये वायरिंग है, तो सबसे पहले यहाँ काम करते हैं ना, वायरिंग को हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो सेम उसी प्रोसेस को दोहराना है, और ये भाई बहुत इजी प्रोसेस है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली है नहीं, बस आपको अच्छे कारीगर के पास जाना है, ठीक है, क्योंकि स्टीयरिंग का सवाल है, और स्टीयरिंग में आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। रेड वाला वायर निकालना ना? हाँ, ये लग गया, ये वाली भी निकलेगा। हाँ, ब्लू पे वाइट लाइन, वाइट लाइन वाली, इसको ग्रे पे जोड़ देना। तो भाई हमारा वायरिंग हो गया है इंटरचेंज, और भैया ने इसका वायरिंग इंटरचेंज कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये ग्रे में दोनों को जोड़ दिया गया है, और इसके ब्लैक एंड व्हाइट जो था, ब्लैक मतलब ब्लैक पे व्हाइट लाइन था, उसको निकाल के लाल वाला डाल दिया गया है। अब इसको हम लोग लॉक कर देंगे। और भाई एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे कि भैया ने मुझे बताया कि स्टेयरिंग खोलेंगे तो ये बैटरी का कनेक्शन बोल रहे हैं कि निकाल दूंगा, तो आप भी ये बैटरी का कनेक्शन निकाल देना। इससे क्या कि सेफ्टी रहता है। मान लीजिए एयरबैग का खोल रहा है ना, कहीं भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो एयरबैग खुल जाएगा, तो बैटरी से हम लोग उस कनेक्शन खोल देंगे ताकि हम लोग को सेफ रहे, ठीक है। और भाई काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है, तो आप वीडियो में अच्छे से बने रहिए। अगर जो भी डाउट्स है आपका, वो डाउट्स आपका अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो में मदद से। और अभी तो ये हमारा वायरिंग हो गया है, अब रहता है क्लॉक स्प्रिंग का वायरिंग। तो देखिए म्यूजिक मेरा म्यूजिक प्लेयर लगा हुआ है और म्यूजिक कंट्रोल्स भी मेरे वर्क करते हैं, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि क्लॉक स्प्रिंग का वायरिंग मेरा उसका वायरिंग किया हुआ होगा, लेकिन उसको भी हम लोग देख लेंगे कि उसका वायरिंग है या नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेश लगा रहे हैं, अगर आप फ्रेश लगा रहे हैं तो आपको क्लॉक स्प्रिंग के वायरिंग में भी थोड़ा सा इंटरचेंज करना होगा, और वो ये है कि आपको ग्रे वायर निकाल देना है उसमें, ठीक है। और ग्रे वायर निकालने की जगह पे आपको एक्स्ट्रा वायर ऐड करना है, और उस वायर को ऐड करके वो आपका हो जाएगा क्लियर के साथ, उसका अटैच होगा की वाले वायर के साथ। हाँ बैटरी का कनेक्शन आप हटा दीजिए। मार्कर पेन क्यों भैया? ये सीधा देखने के लिए। अच्छा ठीक है ना, मतलब स्ट्रिंग जब खुल दोबारा लगाओ तो सीधा लगे। नहीं ये सब चीज़ आप वीडियो में बता देना ताकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हेल्प हो जाए, जो बाहर से काम करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइट हो गया ना, तो गुच्छा देख रहे हो ना, वो मैंने रिमोट लगाया हुआ था तो उसी की वजह से ये सारा इसको क्या स्कॉच लॉक लगा के काम किया गया था, तो ये सबको मैं रिमूव कर देने वाला हूँ। मेरे कार में भी जितने भी मैं काम करवा रहा हूँ भाई, ए टू जेड सब कपलर टू कपलर, और एक भी एक्स्ट्रा बाहर का सेल्टर वाला काम नहीं। जो भी काम होगा भाई अब मैं अपना कार में करवा रहा हूँ, वो वायरिंग के साथ करवा रहा हूँ, ताकि किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का टेंशन मुझे नहीं लेना है। तो भाई हमारे कार में पहले से ही म्यूजिक कंट्रोल लगे हुए हैं, तो म्यूजिक कंट्रोल का ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। बस हमारा जो नेक्स्ट साइड का जो लगा हुआ बटन ना वो खुलेगा, जिसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, राइट साइड वाली बटन। तो भाई हमारा पुराना वायरिंग रिमूव हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं हमारा पुराना वायरिंग का हालत क्या हुआ है। तो इसी को फ्रेश करके भी लगा रहे हैं, और फ्रेश मैंने आपको वायरिंग दिखाई दिया था। मतलब इसमें स्कॉच लॉक इतना ज़्यादा लग गया ना ये भाई, हॉर्न जाम हो गया था, मेरा हॉर्न भी सही से वर्क नहीं कर रहा था। तो भाई हमारा क्रूज कंट्रोल लग गया है, और लगने के बाद ये देख सकते हैं ये जो पीस है, डमी पीस नहीं बोल सकते हैं, इसमें तो दो बटन्स है काम करते हैं वो, तो ये दो बटन्स वाली भी ये पीस निकल गई है। अब इसका वायरिंग हम लोग करेंगे और यहाँ का काम फिनिश। इसमें भाई ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं, काम बहुत इजी है, लेकिन ये कि आपको अच्छे से करवाना है। तो भाई हमारा स्टेयरिंग अभी फिट हो चुका है, अब इसका वायरिंग का है, जो आपने जैसा कि देखा है, अब इसका जो मेन कपलर है वो कपलर लास्ट। अच्छा भैया एक बात बताइए, क्लॉक स्प्रिंग का वायर आप इसमें खोला नहीं है, तो उसमें कनेक्शन पहले से किया हुआ उसी से काम हो जाएगा, या उसका कुछ और डिफरेंट कनेक्शन रहेगा? कोई डिफरेंट नहीं ना। और बैटरी का कनेक्शन करने के बाद एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हैं हमने क्लॉक स्प्रिंग का वायर भी हमें खोलना पड़ गया, मैं सोचा था कैसे काम कर जाएगा लेकिन काम नहीं किया क्योंकि वायरिंग पूरा चेंज हो रहा है ना। तो क्लॉक स्प्रिंग से आपको ये ग्रे वाली वायर निकाल देनी है, ये आप देखिए, और एक एक्स्ट्रा वायर जो है आपको इसको इनपुट करके, ये मैंने अभी एक्शन भेजा दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा वायर मैंने इनपुट करके इसको लेके गया है प्लेयर तक, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वायर जो है ये प्लेयर के की टू वाले में लगेगा, की वन या की टू में लगता है, और ग्रे वायर को इसी में अच्छे से समेट दे रहे हैं हम लोग। इसको अच्छे से सील कर दीजिएगा भैया, ताकि कुछ किसी प्रकार का सटे ना वो। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी तक, और एक बार हम लोग अभी चलेंगे रोड पे, ठीक है, और जाके इसको टेस्ट भी कर लेंगे एक बार अच्छे से कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं जहाँ तक सियर हूँ कि काम करेगा, क्योंकि भाई काम हम लोग को पूरा एकदम जेन्यून और अच्छे से हुआ है। इसको फिटिंग कर लेते हैं और चलते हैं हम लोग रोड पे, और रोड पे जाकर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है। तो भाई आप स्टीयरिंग अच्छे से टाइट करवा लेना, वरना वेलकम मूवी के अक्षय कुमार बन जाओगे। तो ये हमारा फाइनल स्टेज है, एयरबैग भी लग रहा है। टेस्टिंग का बारी है, और अभी देख सकते हैं हमारा गाड़ी अभी दो गियर पे है। इसको तीन गियर पे चढ़ाता हूँ, और जैसे ही हमारी गाड़ी 30 प्लस करती है, इसको अगर हम लोग क्रूज दबा देते हैं, ये आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी क्रूज पे आ गई ना, ये आप देख सकते हैं क्रूज लिखी भी आ रही है,
और मैंने स्टेयरिंग अभी देखिए पैर मैंने हटा दिया है, और भाई पैर हटा दिया है और ये 40 पे ही चल रही है। ये आप देखो ये गाड़ी 40 पे ही चल रही है, क्रूज हमारा एक्टिवेट हो गया है। और गाड़ी में भाई बेस मॉडल में क्रूज का मजा लेके अलग ही फील आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और भाई बस इस वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा हाईवे पे क्रूज का मजा लेते हैं, और वीडियो देखने के भाई और एक बार थैंक यू सो मच।